सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 13 फरवरी से एयरफोर्स स्टेशन में होगा। एरो इंडिया शो एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। इसमें एविएशन सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर भारत की एयरफोर्स से लेकर दुनिया के कई देशों की एयरफोर्स के प्रतिनिधि भी रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। साल 1996 में पहली बार एयर शो हुआ था और तभी से ये बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में होता रहा है। इस बार इसका 14वां एडिशन है। रक्षा मंत्रालय का ये एरो इंडिया शो 2 साल में एक बार होता है। इस बार एरो शो 5 दिन यानी 13 से 17 फरवरी तक चलेगा। इसमें पहले 3 दिन बिजनेस विजिटर्स के लिए और आखिरी के 2 दिन आम लोगों के लिए एयर शो देखने की परमिशन है। पहली बार अमेरिकी स्टील्थ फाइटर F-35 और बॉम्बर B-1 लांसर भी शामिल होगा। इस प्रदर्शनी के जरिए भारत अपनी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को भी प्रदर्शित करेगा। साथ ही तेजस फाइटर जेट और ब्रह्मोस के साथ ही भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरे देशों को बिक्री का रास्ता भी साफ होगा। इस शो की तैयारियों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर बनाए हुए हैं। वहीं 731 एग्जिबिटर से ज्यादा ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 633 इंडियन और 98 विदेशी हैं। एरो इंडिया शो में अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी शामिल होंगे, जिसके चलते ये उम्मीद है कि इस साल ज्यादा लोग पहुंचेंगे। नोडल एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL करेगी। वहीं बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके BBMP ने 30 जनवरी से 20 फरवरी तक एयरफोर्स स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में मास्क की बिक्री और मास्क परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है। BBMP के अधिकारियों के मुताबिक ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर मांसाहारी भोजन के ढेर या अपशिष्ट पदार्थ उड़ने वाले पक्षियों, विशेष रूप से चीलों को आकर्षित करते हैं, जो बीच हवा में दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। एयरो इंडिया शो में भारत, रूस, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस सहित कई देश शामिल होते हैं। इसमें एयरफोर्स के नए विमान, हथियार और तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। प्रदर्शनी के साथ ही पब्लिक एयर शो होता है, जिसमें अलग अलग फॉर्मेशन में एयरक्राफ्ट करतब दिखाते हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। दरअसल एयर शो के जरिए दुनिया में डिफेंस एविएशन में क्या नई तकनीक आई है, इसका पता चलता है। साथ ही एयरफोर्स की जरूरत के मुताबिक कोई भी नई तकनीक या साजो सामान का पता चलता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ उससे जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाती है। आपके लिए स्टोरी को तैयार किया है हमारे साथी मंचकार रमन ने। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।